दोस्तों नमस्कार। इस समय हूँ मैं हर की पौड़ी पर और मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर ली है और आप देख रहे हैं यहाँ पे नाई घाट का दृश्य देखिए। और मैं आपको ले चलता हूँ आज, ये वाला रास्ता तो आपने देखा हुआ है, तो मैं आपको ले चलता हूँ इस रास्ते। और काफ़ी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, काफ़ी सारे श्रद्धालु जा रहे हैं, तो आपको ले चलता हूँ मैं आगे और दिखाऊंगा आज बाज़ार की रौनक। तो इस रास्ते अगर आप आए होंगे, ये रास्ता भी ऊपर ही जाता है और आप देखिए यहाँ बाज़ार की रौनक आप देख सकते हैं और हरिद्वार बाज़ार की एक अलग ही रौनक है। तो दोस्तों मैं आपको इस रास्ते ले चलूँगा हर की पौड़ी पर, संजय पुल पर, और वहाँ से करवाऊँगा आपको माँ गंगा दर्शन। तो दोस्तों ये है हर की पौड़ी जाने का रास्ता, मैं आपको दिखाता हूँ। और इस तरफ जा रहा है मेन मार्केट हरिद्वार का बड़ा बाज़ार, आप इसे या मोती बाज़ार भी कह सकते हैं। तो आपको ले चलता हूँ मैं ऊपर और करवाते हैं आज के ताज़ा दृश्य, ताज़ा दर्शन, आज के ताज़ा दर्शन माँ गंगा के, हर की पौड़ी का दृश्य आज का। और ये हैं मोहनपुरी जी वाले, मथुरा जी वाले, और आपने इनकी काफ़ी सारी वीडियो देखी होगी, काफ़ी फेमस हैं हरिद्वार में। और ये है हर की पौड़ी की चौकी, पुलिस चौकी। और देखिए आप काफ़ी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, तो आपको ले चलता हूँ मैं आगे और करवाता हूँ मैं आज माँ गंगा दर्शन, आज के ताज़ा दर्शन। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी भीड़ है इस पुल पर आज। और बहुतों ने मास्क पहना है तो किसी ने मास्क नहीं पहना। और संजय पुल पर आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है आज, ये देखिए आप। तो मैं आपको माँ गंगा दर्शन करवाता हूँ, तो दोस्तों माँ गंगा दर्शन करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। देखिए आप, और आपको दिखाता हूँ मैं नाई घाट का दृश्य, ये देखिए आप, वो लाज भरा हुआ है काफ़ी, ये देखिए आप, काफ़ी सारे श्रद्धालु जा रहे हैं। ये देखिए आप, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको कैसे आना है हरिद्वार, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए बेफिक्र होके आइए। और मुझे तो मैसेज आ रखा था कि हम किस महीने हरिद्वार आएँ घूमने के लिए, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया। वैसे तो यहाँ पे 12 ही महीने भीड़ रहती है, श्रद्धालु आते ही आते हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए, हरिद्वार घूमने के लिए। बस थोड़ा बरसात में दिक्कत होती है क्योंकि उस समय बाढ़ आ जाती है, पहाड़ों में काफ़ी बारिश होती है, जिस चक्कर में यहाँ हरिद्वार में गंगा जी उफान पर रहती है, तो शहरों में पानी पानी हो जाता है काफ़ी और बारिश काफ़ी होती है, तो इसलिए पानी भरा हुआ रहता है। तो आप बरसात को छोड़कर आप किसी भी महीने आ सकते हैं, कभी भी आप गंगा स्नान कर सकते हैं। और देखिए आप नाई घाट का दृश्य, आज काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है नाई घाट पर। और आपको ले चलता हूँ मैं आगे, Thank you.
ये देखिए आप, श्रद्धालु जा रहे हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए। और तो ये वाला घाट आज काफ़ी फुल है, घंटाघर घाट। और दोस्तों मुझे कमेंट आया था कि आप घंटाघर की सुई भी दिखाएं, तो आप टाइम देख सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो काफ़ी बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तो ठंड काफ़ी है। तो अगर आप हरिद्वार की यात्रा पर आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएं। और आप घूमने का शौक़ रखते हैं ठंडियों में हरिद्वार, तो आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएं, क्योंकि ठंड काफ़ी है और ठंडी हवा चल रही है। और आप घूमें हरिद्वार, माँ गंगा में करें स्नान। देखिए आप, और दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। और आपको क्या हरिद्वार में क्या देखना है आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा। और देखिए आप, मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी अगर पूछना हो मुझे हरिद्वार के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। देखिए आप, तो दोस्तों यह है आज का ताज़ा दृश्य। Thank you.